पार कभी पार लगा तेरे नजर सैया घायल किया रे तुम एक पड़ते से मेरा दिल ले गया जाते जाते मीठा मीठा हम आई है देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो उड़े जब जब जुल्फे तेरे कवारियों का दिल मचले तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देख उन पर देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया बंदा परवर कभी हार कभी पार लगाती है न वाह ये दिलकश संगीत घोड़े की टापें पियानो सारंगी सितार इतना मधुर संगीत और किसका हो सकता है जनाब ओम प्रसाद नैयर के अलावा जिन्हें हम प्यार से कहते हैं ओ पी नैयर ओ पी नैयर साहब का संगीत ऐसा है जैसे हमारी रूह पाकीजा हो जाए मन मचल उठता है पहाड़ों पर चला जाता है कभी बाग की सैर पर निकल जाता है एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है ठंडक मिलती है जिसको संगीत की समझ ना हो और फिल्मी संगीत भी जो ना सुनता हो वो भी एक बार ओ पी नैयर का म्यूजिक सुन ले तो झट से पहचान जाएगा कि साहब ये धुन तो नैयर साहब की है। नैयर साहब का जन्म लाहौर में हुआ 16 जनवरी 1926 में, ये हम जानते हैं। घर में पढ़ाई का माहौल था, पूरे ख़ानदान में कोई बैरिस्टर था तो कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर, लेकिन नैयर साहब की तबीयत पढ़ाई में नहीं लगती थी। एक बार तो यूँ हुआ कि वो एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं। जब पिताजी ने पूछा कि रिज़ल्ट कब आएगा, अब रिज़ल्ट आता कैसे जब एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। खैर नैयर साहब की अच्छी तबीयत से पिटाई हुई। पिताजी ने कहा तुम क्या बनना चाहते हो, कुछ तो इज्जत रख लो, पढ़ लो। लेकिन नैयर साहब को तो बंबई नगरिया बुला रही थी। यह बॉम्बे मेरी जान। हालांकि उसके पहले उन्होंने बचपन में ऑल इंडिया रेडियो में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, 5 रुपए मिलते थे, फिर सीनियर हुए तो 10 रुपए मिलने लगे, महीने में 3 प्रोग्राम, वहां से गाते भी थे। वहीं से पहचान मिली ओ पी नैयर को। फिर पटियाला में लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाने लगे, फिर अमृतसर आ गए। अमृतसर में एक ज्योतिष ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहा हो, तुम्हारी जगह तो बंबई में है, तुम बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे। और ये बात सच भी साबित हुई। वक्त गुजरा साहब, और इनके दोस्त भाटिया साहब इन्हें ले गए पांचोली साहब के पास, और इस तरह से शुरू हुआ सिलसिला फिल्मों का। नैयर साहब भी औरों की तरह हीरो ही बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें संगीतकार बना दिया। जब उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया तो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं चलोगे, तो वो मान गए कि लेकिन अब हम संगीतकार ही बनेंगे। मान लेते थे बात लोग की। बहुत पहले सी एच आत्मा साहब का गाना भी रिकॉर्ड किया था ओ पी नैयर साहब ने, और ऐसा कहते हैं कि ये गीत उनकी पत्नी ने लिखा था। पहली फिल्म मिली आसमान, हालांकि उसके पहले कनीज फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर दिया था नैयर साहब ने। फिर उसके बाद बाज, छम छमा छम आई, लेकिन इत्तेफाक से तीनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं। नैयर साहब बहुत परेशान हो गए
पैसे तक नहीं थे। फिर कपूर साहब जो इनके दोस्त थे वो ले गए गुरुदत्त के पास, लेकिन गुरुदत्त ने तो बास के ही पैसे नहीं दिए थे, तकरीबन 1,000 रुपये। फिर वहाँ पर बातचीत हुई और गुरुदत्त ने कहा कि मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ, आर पार, आप संगीत दीजिए। नैयर ने कहा कि संगीत तो दूंगा, लेकिन मेरे पहले पैसे तो दे दीजिए जनाब। उस ज़माने में नैयर साहब फेबल होटल में रहते थे, रूम नंबर 8 में, वहीं पास में महबूब खान साहब भी रहते थे। खैर, फिर फिल्म मिल गई और आर पार के गीतों ने तो कमाल कर दिया। सब रंग भूल खिलता है, फूल भंवरा जब मिलता है। नैयर साहब ने ताउम्र यही कहा कि उन्हें संगीत का ABCD भी नहीं मालूम था, और ये बात सच भी है, वो फख्रिया इस बात को कहते थे। लेकिन उनके दोस्त जब उनका संगीत सुनते तो कहते कि ये कमाल तुम करते कैसे हो। नैयर ने हमेशा कहा मुझ पर ऊपर वाले का खास करम है, अभी मेरा वक्त चल रहा है। फिर जब नैयर साहब का वक्त चला तो चलता ही गया, एक से बढ़कर एक फिल्में। आर पार के बाद CID और फिर 1957 में वो फिल्म आई जिसने उन्हें अवार्ड दिलवाया, 58 में नया दौर। ये देश है वीर जवानों का अल्प। नैयर साहब जिद्दी तो थे और वो इस बात को मानते भी थे, जिससे दोस्ती की तो फिर दोस्ती और दुश्मनी की तो फिर दुश्मनी। कई बार उन्होंने फिल्में छोड़ दी और इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि मेरी गर्म मिजाजी की वजह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। जैसे कि BR चोपड़ा साहब के साथ फिर काम नहीं किया, गुरुदत्त के साथ बहुत फिल्में की लेकिन बहुत सी फिल्में छोड़ दी उनकी, चौधरी का चांद, प्यासा, क्योंकि CID फिल्म की कामयाबी के बाद ये वादा किया गया था कि सबको एक एक कार दी जाएगी, लेकिन नैयर साहब के पास बड़ी कार थी शेवरलेट, तो उनसे कह दिया कि आपके पास तो है। नैयर साहब ने कहा कि है तो क्या हुआ, जो वादा किया था वो तो निभाइए। और उसके बाद नैयर ने गुरुदत्त के साथ काम नहीं किया। फिर आखिर में बहारें फिर भी आएंगी में उनकी वापसी हुई। ऐसे ही कई और डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम किया, एक एक बार फिल्में खूब चली, फिर नैयर ने दोबारा उनके साथ काम नहीं किया। शम्मी कपूर तो ज़्यादातर शंकर जयकिशन का संगीत लेते थे, लेकिन तुमसा नहीं देखा, कश्मीर की कली, यानी ये साबित किया कि नैयर साहब का म्यूज़िक शम्मी कपूर के लिए कम फायदेमंद नहीं है, एक एक धुन उनकी। ये बड़ी मशहूर बात है कि लता जी ने कभी नैयर साहब के लिए नहीं गाया और लोगों ने ये मान लिया कि कोई लड़ाई है इनके बीच। नैयर साहब ने हमेशा इसका इनकार किया, उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ मेरे संगीत के लिए फिट नहीं बैठती, बहुत पतली आवाज़ है। हाँ, गीता दत्त, शमशाद बेगम और बाद में फिर आशा जी, आशा भोसले, खास करके नया दौर से वो आईं तो फिर लंबा साथ रहा, प्राण जाए पर वचन न जाए तक, बहुत बढ़िया गीत इन लोगों ने दिए। और उनकी पर्सनल लाइफ हम जानते हैं कि किस तरह से ये जोड़ी टूटी, कि नैयर साहब ने अवार्ड मिला था तो उसको फेंक दिया था। SH बिहारी भी मौजूद थे कार में और आशा जी ने आखिरी गीत गाया, जो फिल्म में था भी नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए में, चैन से तुमने कभी आपने जीने ना दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी हो, काम जो इनका है वो तो अमर है दोस्तों। नैयर साहब खुलेआम ये कहते थे कि मुझे तो महिलाएं बेहद पसंद हैं, कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात कही, वो मुतासिर हो जाते थे महिलाओं की तरफ, उन्होंने खुद इस बात को माना है। अपनी जुल्फे नहीं सवारेगी। ये भी आता है कि गीता दत्त जी ने अपने इंतकाल से कुछ वक्त पहले नैयर साहब को फोन किया था और पूछा था कि आप अब मुझसे गाना क्यों नहीं गवाते, आशा भोसले ही आपके गीत गाती हैं। नैयर साहब खामोश हो गए, बाद में उन्होंने माना कि मुझसे गलती हुई। रफ़ी साहब के साथ भी ऐसे ही कुछ अनबन हो गई थी, क्योंकि जब वो लेट आए एक बार, नैयर साहब ने पूछा कि देर से क्यों आए आप, तो रफ़ी साहब सीधे आदमी थे, उन्होंने कहा कि दरअसल मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में लेट हो गया। बस शंकर जयकिशन का नाम सुनते ही नैयर साहब नाराज़ हो गए और रफ़ी साहब से ये कहकर मना कर दिया कि आप देर से आएँ इसलिए अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। क्योंकि नैयर साहब का सबसे ज़्यादा जो मुकाबला उस दौर में था वो शंकर जयकिशन के साथ ही था और किसी के साथ नहीं था। बाद में नैयर जी ने ये बात कबूल की कि मैंने रफ़ी साहब जैसे शरीफ आदमी के साथ अच्छा नहीं किया, ये उनका बड़प्पन है। और रफ़ी साहब उनके घर गए थे बाद में, फिर दोस्ती हुई। नैयर साहब ने कहा कि आप सही में बड़े हैं रफ़ी साहब, कि आप मेरे घर आए चलकर, इसी को बड़ापन कहते हैं।
फिर बाद में इनका साथ फिर हुआ 70s में, लेकिन उसके पहले रफ़ी साहब और नैयर साहब ने जो गीत दिए, फिर वही दिल आया हूँ, कश्मीर की कली, सावन की घटा, एक मुसाफिर एक हसीना, बहारें फिर भी आएंगी, तुमसा नहीं देखा, और बेहिसाब फिल्में। जिसने तुम्हें बनाया हुजूर तुमको सितारों में, हुजूर आप आए हो तुमसा नहीं देखा, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल। सुनो जी ये कलकत्ता है तो मेरा क्या कसूर, हम प्यार समझ बैठे, मेरे फसाने पे न जा, दूर वाला जो हो इजाजत, यही वो जगह है वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले, बहारें फिर भी आएंगी, ये है रेशमी ज़ुल्फ़ों का अंधेरे है मेरे दिल के, प्यार पर बस तो नहीं है कि एक दिन प्यार हो जाएगा। महेंद्र कपूर साहब को भी उन्होंने गवाया जब रफ़ी साहब से अनबन हुई थी, बदल जाए अगर माली, और किस्मत के भी बहुत से गीत हैं। मधुबाला से नैयर साहब की बड़ी दोस्ती रही, उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस थी मधुबाला, वो मधुबाला भी नैयर साहब को बहुत पसंद करती थी। हालांकि ये देखिए कि मधुबाला ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया था कि मेरे गीत सिर्फ लता जी ही गाएंगी, और नैयर साहब लता जी की आवाज़ को इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज और कुछ फिल्मों में उनके लिए गीता दत्त हों या आशा भोसले जिन्हें आवाज़ें दी हैं, और उस ज़माने में मधुबाला एक फिल्म बनाने जा रही थी जिसको वो डायरेक्ट कर रही थी लेकिन वो बन ना सकी, उसमें नैयर साहब को ही उन्होंने एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर साइन किया था। एक बार तो मधुबाला से नैयर साहब ने कहा कि आप हमारे घर कभी तशरीफ़ लाइए, आपकी तस्वीर लगी है हमारे घर पर। मधुबाला ने कहा अच्छा तो मैं शाम में आती हूँ। नैयर साहब घबरा गए, तस्वीर तो थी नहीं। फिर अपने एक दोस्त से कहा कि भाई आपके पास मधुबाला की तस्वीर है, मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर में लगा लूँ, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी आज। और फिर उस तरह से उन्होंने तस्वीर उधार पर ली और मधुबाला आई। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, नैयर साहब बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने गीत संगीत बनाए। पंजाबी धुनें बहुत रहीं, पंजाबी टच था, वेस्टर्न भी था, ये देश है वीर जवानों का, ये तो पूरा लोक गीत उन्होंने लोकगीत से लिया था पंजाबी, वो खुद बताते हैं। और उनका जो स्टाइल है वो अलग ही, उन्होंने आशा जी को, रफ़ी साहब को एक अलग ही स्टाइल दिया। इन लोगों के दूसरे गीत सुनेंगे तो अलग हैं, लेकिन नैयर साहब के साथ अलग ही बात है। रफ़ी साहब से कोई पूछता कि आपका पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है तो वो गुनगुना के कहते हैं, यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं, नैयर सा नहीं देखा। दोनों पंजाबी थे और इसलिए जमती थी उनकी, ये नैयर साहब ने खुद बताया। ओपी नैयर और रफ़ी साहब की दोस्ती भी खूब रही, और नैयर साहब ये जानते थे कि कौन सी धुन पर कौन से गायक से गाना गवाना है। जैसे एक बार फिल्म रागिनी में, जिसे अशोक कुमार साहब बना रहे थे, उसमें किशोर कुमार भी थे, क्लासिकल सॉन्ग था, तो नैयर साहब ने कहा इसे तो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब गाएंगे। किशोर कुमार भी गायक थे तो उन्होंने कहा कि इसे मैं क्यों ना गाऊं। खैर बात अशोक कुमार साहब तक पहुंची और उन्होंने कहा कि संगीतकार नैयर साहब हैं, जो वो चाहें वो करें। फिर वो गीत साहब रफ़ी साहब ने गाया, मन मोरा बावरा। ऐसा ही फिल्म दो उस्ताद में हुआ, जिसमें राज कपूर साहब थे और वो मुकेश जी की आवाज़ लेते थे। उन्होंने नैयर साहब से कहा कि मुकेश जी की आवाज़ ले लीजिए, लेकिन नैयर साहब ने कहा ये जो मैंने धुनें बनाई हैं ये रफ़ी साहब को नज़र में रखकर बनाई हैं, तो गीत तो वही गाएंगे। और हुआ यही, रफ़ी साहब ने ही गाए उस फिल्म के गीत, जबकि राज कपूर साहब के लिए मुकेश जी गाया करते थे। तो ऐसे थे ओपी नैयर। कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा।
बसंत फिल्म जो 1960 में आई थी शम्मी कपूर और नूतन जी की, उसमें 10 गानों में से 8 गाने सिर्फ रफ़ी साहब के थे। ऐसी दोस्ती थी नैयर साहब और रफ़ी साहब की। एक हंसी अजी मिल गया हमको कहीं। गुरुदत्त का भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक धुन रिजेक्ट कर दी थी कि इसको सही कीजिए, वही धुन नैयर साहब ने फिर डबल से सुनाई बिना चेंज किए, तो वो मान गए हाँ अब ठीक है। तो वास्ते भी थे। मिजाज से वो जिद्दी थे, लेकिन जिससे प्यार किया तो बहुत प्यार किया। लोग बताते हैं कि कोई गरीब मिलता तो जो पैसे उनकी जेब में होते वो दे देते बिना देखे, और अगर किसी से उनकी नहीं बनती तो वो कितने ही बुरे हाल में क्यों ना हो वो उसकी मदद नहीं करते। जिसके हो गए तो हो गए। होम्योपैथ डॉक्टर भी थे, एस्ट्रोलॉजर थे बहुत ज़बरदस्त, वो लोग उनके पास आते थे, घंटों बैठा करते थे, इलाज किया उन्होंने, बाकायदा होम्योपैथी सीखी म्यूज़िक के अलावा। वो 90s में आखिरी में कुछ फिल्मों में म्यूज़िक दिया जिद और निश्चय में, लेकिन उन्होंने कहा अब ये काम मुझसे नहीं होगा, जो संगीत बन रहा है वो मैं बना नहीं सकता और मुझे ऐसा संगीत बनाना भी नहीं है। और फिर संगीत को उन्होंने छोड़ दिया एक तरह से कि बस मेरा वक्त चला गया अब और कुछ नहीं। इधर उधर रहा करते थे, कभी हैदराबाद अपने भाई के पास चले जाते, कभी बम्बई में ही, कभी पेंगेज बन के इधर उधर, क्योंकि 1990 में तो उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था जो चल रहा था विवाद उनका, डिस्प्यूट्स, लेकिन 1990 में उन्होंने टोटल छोड़ दिया। सबके साथ काम किया उन्होंने, किशोरदा, तलत, महमूद, मुकेश जी, लेकिन रफ़ी साहब आशा जी के साथ ज़्यादा काम किया। अच्छा, नैयर साहब को ये श्रेय भी जाता है कि उन्होंने फिल्मों में कॉमेडी सॉन्ग्स को बढ़ावा दिया, चाहे वो CID हो, हावड़ा ब्रिज, बाहरें फिर भी आएंगी। कहां मेरा जिगर गया जी। उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी साहब, साहिर साहब के अलावा शेवान रिजवी, SH बिहारी, नूर देवासी, अनजान, वर्मा मलिक, अहमद वसी, या फिर कमर जलालाबादी हों, जाने सर अख्तर, या फिर हों कवि प्रदीप, कई नए सॉन्ग राइटर्स के साथ भी काम किया, और वो ये मानते थे कि 50% क्रेडिट सॉन्ग राइटर्स को जाना चाहिए गाने की कामयाबी पर, 25% पूरी टीम को, साजिंदों को, बचा कुचा 25% अगर कंपोजर को मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन सॉन्ग राइटर को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उनकी 3 बेटियां, 1 बेटे रहे, और 1990 के बाद बम्बई में वो पेंगेस के तौर पर तो रहते ही थे, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता था, तो मिलते नहीं थे वो लोगों से, और वो इस बात पर खुश थे कि मुझे बड़ी खुशी है साहब, जिंदगी के दिन सुकून से बीत रहे हैं। आखिरी दिनों में वो पेंगेस रहे, और उनकी बेटी जैसी थी राजू जी, उन्होंने उनका बड़ा ख्याल रखा। कबीर साहब के बहुत बड़े मानने वाले थे नैयर साहब, बहुत ज़्यादा किताबें उनके पास थीं अध्यात्म की। ये वो पहलू हैं जो लोगों को मालूम नहीं है। गैर फिल्मी रचनाएं बहुत उनकी हैं, गज़लें रूना लैला ने ख़ास तौर से गाईं, बिनाज मसानी। 70s में जब नैयर साहब ने कम काम किया तो उनको आशा जी से क्योंकि बातचीत बंद हो गई थी, तो फिर उस तरह के सिंगर्स नहीं मिले, फिर वो दौर कभी आ नहीं पाया। जबकि शंकर जयकिशन से उनका कंपटीशन होता था, लेकिन शंकर जयकिशन को वो पसंद भी करते थे, और लता जी का गाना हमेशा सुनते थे चाहे कहीं भी जाएं। फिल्म बरसात का जिया बेकरार है उनका फेवरेट सॉन्ग था। इसके अलावा मदन मोहन, SG बर्मन, सी रामचंद्र को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर वो बहुत पसंद करते थे। शमशाद बेगम, गीता दत्त, इनकी आवाज़ों को वो खनकदार आवाज़ कहते थे। बहुत पसंद थी इनकी आवाज़ें उनको। सुल्तान अरशद खान साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया, जो बहुत ज़बरदस्त शेदाई रहे ओपी नैयर साहब के, कि किस तरह से वो लाहौर को नहीं भूल पाए, उनकी जन्मभूमि, रो दिए थे एक बार वो नज़्म पढ़ते पढ़ते नासिर काज़मी की। एक बार तो वो सुल्तान अरशद साहब के साथ लाहौर जाने को तैयार हो गए और पासपोर्ट दे दिया, लेकिन 15 मिनट बाद ही पासपोर्ट वापस ले लिया, ये कहकर कि मैं अगर उस शहर में गया तो मर जाऊंगा, सिर्फ ये सोचकर कि अब ये शहर
मेरा नहीं रहा, जहां मैंने अपनी जिंदगी के 21.5 साल गुजारे हैं। और किस तरह से 4 से 8 बजे तक ही वो मुलाकात करते थे लोगों से, फोन उठाते थे, वक्त के पाबंद, गर्मजोशी से हाथ मिलाया करते थे, बहुत सी बातें। दोस्तों, नय्यर साहब के बारे में बहुत कुछ है उनके संगीत के अलावा। 28 जनवरी 2007 को वो बेशक इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके संगीत के जरिए तो हैं और रहेंगे। फिल्मोग्राफी तो बहुत लंबी है उनकी, मिस्टर एंड मिसेस 55 हो, मिस कोको कोला, CID, आर पार, बाज, फरिश्ता, तुमसा नहीं देखा, हावड़ा ब्रिज, फागुन, दोस्ताद, एक मुसाफिर एक हसीना, कश्मीर की कली, फिर वही दिल लाया हूँ, सावन की घटा, संबंध, बहुत हैं। और बाद में हीरा मोती। आज भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने आ जाता है जब वो कैप लगाकर हमारे सामने आया करते थे। ऐसे अजीम फनकार और साफ दिल इंसान के बारे में बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम को समेटना पड़ता है, इसलिए नय्यर साहब की यादों को यहीं समेटते हैं। इसमें बहुत सी बातें रह गई होंगी और वो रहें तो बेहतर है, ताकि हम फिर कोई खूबसूरत कार्यक्रम बना सकें। तो ऐसे अजीम कलाकार को फराज का बार बार सलाम। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर ले, मन मोरा बावरा। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, आपके हसीन रुख से आज नया नूर, जुदा अपनी बाहों से होने न दे, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी।